इंडक्टर, कोई भी इंडक्टर होता है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी हाफ एल आई स्क्वायर। अब एनर्जी स्टोर इसके अंदर हो रही है तो इसके अंदर एनर्जी की डेंसिटी भी होने वाली है। ऑब्वियसली वो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम होगा ए इंटू एल। वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू एल। इसका वॉल्यूम ए इंटू एल होने वाला है, टोटल एनर्जी हमारे पास ये आई है। इस एनर्जी को अगर मैं इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। तो हम अब इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालने वाले हैं। ये यहां तक आप अच्छे से समझ गए, एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं। टॉपिक का नाम आपका क्या है, एनर्जी डेंसिटी। और ये एनर्जी डेंसिटी किसकी है, इंडक्टर की है। आप याद करो एनर्जी डेंसिटी एक बार हम कैपेसिटर के केस में भी निकाल चुके हैं, एनर्जी डेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में निकाला था, लेकिन हम यहाँ पे किसके लिए निकाल रहे हैं, इंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमारे पास हुआ एनर्जी डेंसिटी, हमें निकालना है। तो एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी होगी एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो इसका एनर्जी कितना आया आपके पास, यू आया। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। ठीक है, अब ये यू कितना है, यू देखो, यू आपके पास था हाफ एल आई स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल एल है, ये सेल्फ इंडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ इंडक्शन को या इंडक्टेंस को, सेल्फ इंडक्शन को नहीं, कैपिटल एल रिप्रेजेंट करता है इंडक्टेंस को, और ये एल रिप्रेजेंट करता है इसकी लेंथ को। कैपिटल एल किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कहीं आप इस एल से इस एल को उड़ा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओके, हमें पता है कि जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर, इस इंडक्टर में बी का जो वैल्यू होता है, एज बी किसके बराबर होता है, बी होता है म्यू नोट एन आई के बराबर। तो यहां से आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, आई हमारे पास आ जाएगा बी डिवाइडेड बाई म्यू नोट, और ये क्या हो गया, एन। आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नोट इंटू एन, यहां से लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये हम यहां से लिख देंगे, इस वैल्यू पुट करते हैं यहां से, इसकी इसकी जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा u इज इक्वल टू हाफ l, i की वैल्यू मुझे पुट कर देनी है, तो i की वैल्यू मेरे पास आई b स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट स्क्वायर, और ये क्या हुआ, n स्क्वायर, क्योंकि पूरे i का स्क्वायर था ये, तो इस प्रकार से हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहां से हम क्या देखते हैं, जो l है, L है इसका इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस का ही फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, L इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल। ये फॉर्मूला हम पीछे ड्राइव कर चुके हैं, L इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल। ये वैल्यू हम यहाँ पे और पुट कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ L की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल। ओके, ए एल इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर। यहां देखते हैं एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, म्यू नॉट से म्यू नॉट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पे जो यू आएगा, यू वो आएगा हाफ बी स्क्वायर ए एल डिवाइड बाई म्यू नॉट। और ए इंटू एल क्या है, ए इंटू एल तो इसकी वॉल्यूम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, यू इज इक्वल टू आपके पास बचेगा बी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई टू म्यू नॉट। और एनर्जी डेंसिटी क्या थी, यू डिवाइड बाई ए एल, ए एल को जैसे हमने यहां पे वॉल्यूम लिख दिया तो इधर ए एल था, तो इसको आप इधर भी वॉल्यूम कर दो, यू डिवाइडेड बाई क्या था, वी, है ना। तो अब यहां से एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आएगी, इसको v से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू म्यू नॉट, बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू नॉट। क्यों, v तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे वैल्यू पुट करेंगे तो v से तो v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू नॉट। तो ये हमारे पास आई एनर्जी डेंसिटी। अब यहां से हम क्या देखते हैं, ये जो एनर्जी है ना,
ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। इसमें जो एनर्जी आएगी वो किसके कारण आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी स्टोर कहाँ हो रही है, इस मीडियम के कारण भी हो रही है। इसके अंदर मान लीजिए आप जैसे कोई आयरन का रोड रख देते हो या कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख देते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका जो एनर्जी है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमने जो निकाला बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू नॉट, ये रिजल्ट हमारे पास आया है, ये एयर कोल्ड सोलेनोइड है। सोलेनोइड दो प्रकार से हो सकते हैं, क्या, एयर कोल्ड सोलेनोइड। एयर कोल्ड सोलेनोइड का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर की ये जो जगह है बिल्कुल ये वाला, ये पूरे का पूरा एरिया वैकेंट है, इसके अंदर एयर, एयर कोल्ड जो सोलेनोइड है जिसका हमने इंडक्टर बनाया है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनर्जी स्टोर होने वाली है वो होगी बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू नॉट। तो ये रिजल्ट है कि आप याद करके रखें, ये रिजल्ट याद करके रखें। एनर्जी डेंसिटी तो पता आपको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। एक ये रिजल्ट आपने पीछे ड्राइव किया ही था तो ये आपको अच्छे से याद होगा, जो सेल्फ कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है उसका रिजल्ट म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल होता है। ये हमने ड्राइव किया था पीछे और इसमें कोई अलग से कोई फॉर्मूला है नहीं, ओके। तो ये इस प्रकार से आप इसको ड्राइव कर लेंगे।